तो आईआईटी किया था, मैं तो आईआईटी मुंबई से मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस में आईआईटी किया, फिर तो मैं अमेरिका निकल गया, ओरेकल में काम करता हूँ, आईबीएम में काम करता हूँ, वहां अमेरिका में रहता हूँ मैं, मेरे पास ये वाली कार है, तुम्हारे पास क्या है? तुम बोलना भाई, मेरे पास मानवता है। क्या है? माँ नहीं, माँ तो है, अच्छी बात है, सम्मान मांगा। वो अमिताभ बच्चन का जो दीवार मूवी का डायलॉग जो शशि कपूर बोलता है, तुम्हारे पास, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है बस। वो बोलेगा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अमेरिका में रहता हूँ, सब कुछ, तेरे पास क्या है? मेरे पास मानवता है बस। याद रखो, आप यदि जो है अपनी आज मैं आपसे कह दूं कि आज जो है इस कोरोना वायरस परिस्थिति में लोगों को एक बात समझ में आ चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसा खा लोगे क्या? क्या लेके जाओगे पैसा? क्या चीज साथ चाहिए आदमी के? क्या चाहिए? किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो कोई बोल रहा है कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मारुति कार ले लो, हमसे ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, पागल है? और कार दे रहा है, मैं मांग रहा हूं ऑक्सीजन, भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए, आप बोल रहे हो मारुति कार ले ले भाई, मर्सिडीज ले ले चल, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। भाई देखो ऐसा है, इंसान का जो अस्तित्व है उसके शरीर के साथ ही जुड़ा है, तो बात इतनी सी है कि यहां पर ह्यूमिनिटी, आपको ये चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको कोई बोल रहा है मेरा पैकेज तो भाई 1 करोड़ का है, अरे भाई तुम्हारा भले ही 1 करोड़ का पैकेज हो, तुमको 50-100 करोड़ का काम कंपनी को जो है कर देना पड़ता है, और तुमको कंपनी उस काम में से एक हिस्सा काट के तुमको देने के लिए, भाई तुम ही ले, तूने इतना काम किया। टारगेट देखे कभी इनके? टारगेट मान लो 500 करोड़ का, भैया तुमको म्यूचुअल फंड बेचना है, तुमको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देना है, तुमको ये कर देना है, उसका कट कमीशन के, भैया ये तुम्हारा पैकेज हो गया, ये तुम काम कर रहे हो इसका हिस्सा ही हो गया। ऐसे ही होता है ना, मेडिकल प्रोफेशन को यहां मत देखना बेटा, आप जो फीस लेते हो अलग मुद्दा है, आप जो करते हो, जो लाइफ से करते हो, उसकी कोई कीमत तय नहीं कर सकता है। तो यहां पे मानवता को आपको बने, और याद रखिए यदि डॉक्टर बनने के बाद यदि आप लालची बने आप, तो प्रोफेशन खत्म हो जाएगा आपका, आपका नाम खराब हो जाएगा, आप पूरे प्रोफेशन के लिए एक कलंक बन जाएंगे। मेडिकल प्रोफेशन में जाने के बाद आपको ये सोचना है आपको कि आप यहां क्यों आए थे, और वहां पर लालच की कोई जरूरत हो बेटा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।